तो हम लोग फ्लूइड्स पढ़ रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, फ्लूइड का वो पार्ट देख रहे हैं जो उनके इंटरेक्शन से बनके फिजिकल प्रॉपर्टीज देता है। हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो मॉलिकुलर इंटरमॉलिकुलर इंटरेक्शन से होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल के अंदर क्या क्या हो रहा है वो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है, कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है, वो सब आप वहां देखते हैं। तो इसमें जब फ्लूइड में प्रेशर को ये सब चीज के हम लोग जान पहचान हो गया हम लोगों का, तो उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कुछ लॉ दिए गए, लॉ कुछ अलग से तूफानी बात नहीं थी। अगर आप पहले से फ्लूइड से जान पहचान का हो गया तो पास्कल्स लॉ ये कहता है कि अगर फ्लूइड में ऊपर का प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर है, अगर उसमें हम 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर और जोड़ दिए तो वो 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर सब जगह जुड़ जाएगा, पानी जहां भी इसके अंदर है, ठीक है, वो सब जगह जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पास्कल साहब कह रहे हैं कि आप फ्लूइड में अगर प्रेशर किसी एक पॉइंट पे चेंज करते हैं तो वो फ्लूइड जहां जहां कॉन्टेक्ट में है, ठीक है, सब जगह वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है और सब जगह इक्वल वैल्यू से प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, और आर्किमिडीज साहब क्या बोले, तो आर्किमिडीज साहब कुछ नहीं, वो बोले कि भाई अगर आप पानी पे कुछ रखे हुए हैं किसी ब्लॉक को और ये तैर रहा है, तो ये तैर रहा है मतलब ये ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, ठीक है, फ्लोट कर रहा है, स्विम करना नहीं कहिए, फ्लोट कर रहा मतलब एक जगह टिका हुआ है। तो नीचे एमजी लग रहा है, इसको बैलेंस करने वाला एक फोर्स ऑफ बायंसी है, नहीं तो ये इसका एक्सेलरेशन क्यों जीरो होता। एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज जीरो एंड इन एक्स डायरेक्शन इट इज जीरो, दोनों डायरेक्शन में जीरो होना जरूरी है, ठीक है। कहिएगा जेड भी बोल दिए तो बोल दीजिए जेड, अभी टू डायमेंशनल फिगर बना रहे थी, सब में जीरो है, नेट जीरो है, तभी तो ये अपनी जगह पे है, ठीक। तो उन्होंने कहा कि ये जो बी होगा वो बेसिकली इतना पानी होता, अगर ये नहीं होता तो, ये नहीं होता तो इतना पानी होता। तो इनका कहना था कि ये है तो इतना पानी हट गया, और जो जितना पानी हट गया उसका जो वेट होगा, ठीक है, मान लीजिए कि ये हमने एग्जांपल लिया था कि चलिए उसमें भी आधा डूबा आधा ये हुआ, अब ले लेते हैं कि 1/4 नीचे है 3/4 ऊपर है, तो हमको मतलब है कि कितना पानी हटा है, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम V है, तो V/4 अंदर है, ठीक, और ये वॉल्यूम पानी का हटा हुआ है, तो मान लीजिए पानी का सिग्मा लेते तो ले लीजिए सिग्मा इंटू V/4, ये हटे हुए पानी का मास हुआ, और किसी भी मास में जब जी से गुना कर देंगे तो उसका वेट हुआ, वेट इज अ फोर्स, मास, मास क्या है, अमाउंट ऑफ मटेरियल इनसाइड अ बॉडी, और वेट बोला जाएगा तो क्या है, फोर्स है। अब होता क्या है कि आम भाषा में आप लोग बोल लेते हैं कि इसका 60 kg वेट है, तो बेसिकली वो 60 kg वेट जो है ना, ये जो केजी वेट बोल रहे हैं, तो बेसिकली आप ये न्यूटन की बात कर रहे हैं, कब, जब ये 60 g हो। अब मास को ही आम भाषा में आप बोल देते हैं कि ये वेट है, वेट है, वेट है, लेकिन 60 kg वेट का मतलब हुआ कि 60 kg मास का बॉडी जो नीचे ग्रेविटेशनल पुल उस पर जो लग रहा है उसके वजह से जो फोर्स आ रहा होगा, ठीक है, 60 g न्यूटन, जी का वैल्यू अगर आप 10 ले लेते हैं तो 600 न्यूटन, बेसिकली ये वेट की बात करें। एनीवेज, तो यहाँ पे आते हैं, वो तो जहां जहां छोटका जी लगा दिए, मल्टीप्लाई कर दिए तो वेट आ गया, और छोटका जी नहीं लगाए तो वो मास आ गया। तो ये हटे हुए पानी का वेट है और यही फोर्स ऑफ बायंसी है, ठीक है, और यही जो है पूरे बॉडी को रोक रखा है, और पूरा बॉडी का अगर मास एम है तो जी है, अगर उसका डेंसिटी रो है तो रो भी जी है, ठीक है। सबको आप कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं रहेगी अगर आप इस बात को समझते हैं कि हटे हुए पानी से हमको मतलब है, ठीक है, कितना वॉल्यूम ऊपर दिख रहा है उससे मतलब नहीं, तो जितना हटाया है फ्लूइड उसका जो वेट होगा वो इसको ऊपर की तरफ करेगा। ये सब हम लोगों का क्लियर हो चुका है, और
हाँ, यहाँ पे बॉडी का रो सही है, ये बॉडी का ले रहा है तो बॉडी का डेंसिटी अलग होगा, लिक्विड का अलग होगा। अब आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग खुद भी करेक्ट कर सकते हैं, कभी कुछ सिंबल लेने में इधर उधर हो गया तो कोई बात नहीं। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो फ्लूइड है ये फ्लो कर रहा है, अब उसके मैकेनिज्म पे थोड़ा हम लोग जाएंगे और उसका फिजिक्स पढ़ेंगे, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। तो एक छोटा सा हम लोग हेडिंग देंगे, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। तो सब जगह पानी मौजूद है तो अक्सर हम लोग पानी को लेके फ्लूइड पढ़ते रहते हैं और सब जगह फिट करते रहते हैं, सही हो जाता है। फॉर एग्जांपल अभी हमने पानी पिया तो वो बोतल से फ्लो करके मेरे मुंह में आया, मुंह से फ्लो करके वो इसोफेगस में गया, स्टमक में गया, ठीक है। थोड़ी देर में अब स्टमक से भी आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा और साथ साथ उसका एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा। तो आप किसी झरने के नीचे खड़े हो जाए तो आप झरने का फ्लो देख रहे हैं सब। तो अगर हम ईच पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड का न्यूटन्स लॉ लिखने की कोशिश करेंगे तो फिर हो गया, तब फिजिक्स पढ़ना छोड़ देंगे, ठीक है। तो कुछ चीजें हम लोग को इमेजिन करना होगा कि ऐसे ऐसे फ्लूइड फ्लो होता है और एक अप्रोक्सीमेशन के साथ हम लोग उन चीजों को पढ़ लेते हैं, बिकॉज आइडियल इज समथिंग विच इज नॉट रियल। तो आइडियली ऐसा होना चाहिए, लेकिन रियल वर्ल्ड में थोड़ा थोड़ा कुछ चीजों को हम लोग मॉडिफाई करके आइडियल जैसा करके पढ़ लेते हैं और आइडियल में कुछ मॉडिफाई करके रियल वर्ल्ड में लगा देते हैं तो वो सही होता है कैलकुलेशन हमारा। तो फ्लो ऑफ फ्लूइड्स में अगर हम लोग यहां मानेंगे कि जो आइडियल फ्लूइड है, ठीक है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है तो फिर पढ़ने का जो तरीका निकाला गया वो ये कि भाई मान लीजिए कि दो बातें, एक तो वो आपस में चिपक नहीं रहा है, फेस नहीं हो सकता है, ठीक। गौर कीजिएगा, इतना बड़ा हम लोग अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, लेकिन गैसेस को अच्छा खासा कंप्रेस किया जा सकता है। तो हम लोग कभी फ्लो पढ़ना चाह रहे हैं तो मान लेते हैं कि उसका जो वॉल्यूम है वो है, ठीक है। तो आइडियल फ्लूइड्स आर नॉन कॉम्प्रेसेबल एंड नॉन विस्कस। विस्कस हम लोग विस्कोसिटी देखने वाले हैं तो कुछ देर में, वही चिपकने वाली बात जो कह रहे थे कि वो चिपकता नहीं है ये मान लेते हैं, ठीक है, तब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। दूसरी बात ये कि हम लोग मान लेते हैं कि जो फ्लूइड है वो लाइन में फ्लो करता है, ना कि रोटेट होता हुआ फ्लो करता है, तब पढ़ना आसान हो जाता है, ठीक। तो अब फ्लो में जो है एक टर्म आता है स्टेडी फ्लो, ठीक। तो देखिएगा, अब अगर एक पाइप है जो इधर मोटा इधर पतला हो गया है, ठीक है, जा रहा है, तो अगर ये पॉइंट है ए और यहां पे एक पॉइंट ले लिया हमने बी, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि बी से जो भी गुजर रहा होगा, जो भी मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स, उनका वेलोसिटी सबका यहां पे सेम होगा, यहां पे वेलोसिटी इससे कम होगा, थोड़ी देर बाद हम लोग देखने वाले हैं, जो भी होगा लेकिन इस पॉइंट से जो भी गुजरेंगे उनका ये वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो ऑल द मॉलिक्यूल्स, अभी हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम लोग देखेंगे और बर्नौलीज थ्योरम वगैरह, तो इससे बहुत आसान हो जाएगा, घबराइएगा नहीं, अभी आगे समझ में आ जाएगा कि ये वेलोसिटी
कम क्यों है, वहां ज्यादा क्यों है, उस पर भी मत जाइए। आप खाली इस पे जाइए कि यहाँ पे जो भी वेलोसिटी होगा तो जो सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से गुजरेंगे उनको वो वेलोसिटी से ही गुजरना होगा, और यहाँ पे भी जो भी होगा तो सबका सब का सेम वेलोसिटी से यहाँ गुजरेगा। ऐसा नहीं कि एक आगे एक पीछे हो जाएगा, वैसे इमेजिन करेंगे तो फिर लीनियर फ्लो होगा नहीं, ठीक है। तो स्टेडी फ्लो तभी होगा, ठीक है, जब ऑल द मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स, लिखिए अभी फिलहाल तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड हैव सेम वेलोसिटी एट ए एंड सेम वेलोसिटी एट बी, ठीक, जहां भी है, आप सी लेते तो सी हो जाता, डी लेते डी लेते, कोई फर्क, ठीक। दूसरी बात ये कि देयर इज नो रोटेटरी मोशन, देयर इज नो रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो सच फ्लो इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो। ठीक है, सच फ्लो इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो। स्टेडी का मतलब एकदम हिसाब से जा रहा है सब, ठीक। अब आप देखेंगे तो मान लीजिए कि इसमें एक नीचे सब लाइन बन रहा है, किसका, नीचे के पार्टिकल्स का, ऊपर के पार्टिकल्स का, ऊपर बन रहा है, बीच का बन रहा है, तो सब एक, ऐसा नहीं लग रहा है कि सब अपना अपना लाइन बना के चल रहे हैं। तो स्टेडी फ्लो को, ये जो लाइन बना के चलने का हम लोग जो इमेजिनेशन कर रहे हैं, तो इसको ये इस तरह की चीजें जो झिल्ली जैसी हो, लाइन जैसी बन रही हो, उसको लैमिना वर्ड यूज करते हैं, बायोलॉजी में भी कई बार वर्ड यूज होता है, तो लैमिना से इसको लैमिनर फ्लो भी बोलते हैं। लैमिनर फ्लो भी बोलते हैं, ठीक है। अभी रुकिए, कुछ बात मेरी सुनिए। तो हम लोग जो पढ़ेंगे अभी फ्लूइड मैकेनिक्स, उन सब में मान के चलेंगे कि ये स्टेडी फ्लो हो रहा है, लैमिनर फ्लो हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही रोटेशनल और ये सब मोशन आएगा तो फिर उनका फिजिक्स चेंज होने लगेगा, ठीक। वो बहुत मुश्किल है उनके इक्वेशंस लिख पाना, ठीक। तो इसलिए हम लोग सिंप्लीफाई करके पढ़ते हैं और जहां जहां जरूरत पड़े इसी का थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन से आगे काम निकाल लेते हैं। तो दिस इज इररोटेशनल फ्लो, देयर इज नो रोटेशनल मोशन, ठीक है। और हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी एक मॉलिक्यूल का है, तो पीछे से जो आया उस पॉइंट पे उसका भी सेम वेलोसिटी होगा, ठीक है। और ये एक लाइन जैसा बना रहा है, तो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज लैमिनर फ्लो। अब कहिएगा कि क्या रोटेशनल मोशन हो ही नहीं सकता है, तो मैंने कब कहा कि वो हो ही नहीं सकता है। हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं चीजों को, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप नदी नहर में कभी गौर से देखेंगे तो वॉर्टेक्स बनता है, वॉर्टेक्स, वॉर्टेक्स को हम लोग अपने भाषा में कभी कभी बोलते हैं, मतलब बेसिकली पानी वहां पे ऐसा दिखेगा, ठीक है, गोल गोल नच रहा होगा, ठीक है। और ये खुद भी आगे बढ़ता हो रहा होगा, तो उसको उसको कुछ बोलते हैं, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है उसका कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। तो वो जो वॉर्टेक्स है वो क्या उतने दूर में क्या वो प्रदर्शित कर रहा है, तो रोटेशनल मोशन, और साथ साथ आगे भी बढ़ रहा है तो लीनियर मोशन भी है, तो वो हो सकता है। और ये अक्सर खतरनाक होता है नदियों में, अगर यहाँ पे कोई गया तो वो नचा के उसको अंदर कर देता है, ठीक है। डूबना यहाँ पे आसान होता है, और ये अक्सर तब बनेगा जब नदी सीधा जा रही है, तो नदी का जो किनारा है कहीं कहीं निकला हुआ रहेगा, कहीं कहीं पिचका हुआ रहेगा, तो जहां पे निकला हुआ है उससे टकराया पानी, तो
तो उसके आगे अक्सर वो ऐसे दबेगा और रोटेशनल मोशन दे देगा, तो देयर कैन बी रोटेशनल मोशन। तो वैसे मोशन जहां पे रोटेशनल मोशन हो रहा है, जहां पे वेलोसिटी भी इक्वल नहीं है, मान लीजिए कि यहां पे बहुत हाई प्रेशर से हम दे दिए पानी को, इतना हाई प्रेशर दिए कि सब इधर उधर हो गया, तो वैसे फ्लो को बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, हाँ उसको भवंडर बोलते हैं। समवन मैसेज किया है किन्होंने किया है, हाँ ठीक है भवंडर। ठीक है, तो वो भवंडर है, रोटेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, इसको जल्दी से नोट कीजिए, तो टर्बुलेंट फ्लो पे एक लाइन लिख डालेंगे, इसको जल्दी नोट। शुरू कर दिए, ठीक है। When the flow does not fulfill the criteria of steady flow, ठीक, इट इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे छोटा डब्ल्यू लिख दीजिए ना, क्या करना है। When the flow does not fulfill the criteria of steady flow, तो क्या बोलते हैं उसको, turbulent flow। तो therefore there can be different velocities, ठीक है, at the same part of path of flow, there can be different velocities at the same part of the path of flow, ठीक है, as well as रोटेटरी मोशन। बस टर्बुलेंट फ्लो में दो बातें काफी है। एग्जाम्पल में उसके लिखा जा सकता है, नीचे वाला लिख जाने के बाद रुकिएगा, फिर ऊपर वाला बादों में लिखिएगा भी, ठीक है। एग्जाम्पल में वाटरफॉल टर्बुलेंट है, ठीक है, हाई प्रेशर फ्लो इन ए पाइप, ये सब टर्बुलेंट होने लगेगा, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, छोड़िए ना, बात समझ गए तो सही है। अब गौर कीजिएगा, नीचे वाला मिटा रहे हैं हम, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा अगर किसी का छूट रहा हो तो। ओके, सेशन का ओके, जैसे एंड होगा उसके तो उसी से मैं बता दीजिएगा। एनीवेज एक दो सेंटेंस जरूरी पड़ेगा तो हम रिपीट कर देंगे। ओके, तो अब एक चीज हम लोग देखने जा रहे हैं कि
इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, छोटा कॉन्सेप्ट है, कुछ भारी नहीं है। मैं कह तो रहा हूँ कि पहले ही आपको मैंने जान पसंद करा दिया, इसलिए अभी सब जो भी आएगा ना देखिएगा आप लोग सब बूझते जाएंगे, आज जब बूझ रहे होंगे तो सब सही। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, फिर से एक वो देखते हैं हम लोग, कुछ छुपाई बना दीजिए, एक जगह मोटा एक जगह पतला कर दीजिए, ठीक है, फ्लो कर दीजिए इधर, ठीक है। तो अब देखिए यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो अगर A2 लिए और यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 लिए, ठीक है, तो हम कुछ जाने या ना जाने ये जरूर जानते हैं कि पर सेकंड जितना पानी इधर से घुस रहा है पर सेकंड उतना पानी इधर से निकल रहा है, क्योंकि पानी गायब थोड़ी हुआ है, ठीक है। मैं रिपीट करता हूं कि हम कुछ बताए या ना बताए हम ये बता सकते हैं कि जितना पानी पाइप में घुस रहा है पर सेकंड उतना ही पानी इधर से निकल रहा है, ठीक। तो अब यहां का एरिया A1 वेलोसिटी V1 ले लीजिए, यहां का एरिया A2 वेलोसिटी V2 ले लीजिए, तो हम लोग ये पक्का बोल सकते हैं कि मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग एट A1 इज इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड कमिंग आउट एट A2। ये बात हम लोग पक्का एकदम बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अभी लिखिएगा नहीं, मेरी बात सब गौर से सुनिए। तो पर सेकंड वॉल्यूम जो एंटर कर रहा है पर सेकंड उतना ही वॉल्यूम वहां से निकल रहा है, इसी को वॉल्यूम की भाषा में बोले तो, ठीक है। और आप जानते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेंथ से गुना कर दे, ठीक है, अगर यूनिट लेंथ से गुना कर दे, ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ इज वॉल्यूम, ठीक है, तो अगर वो यूनिट लेंथ होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ही हमें वॉल्यूम दे देगा। फिर से छोड़िए, कुछ भी हो क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ इज वॉल्यूम, ठीक है। अब आप बताइए कि वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी बोल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट बोलिए शोभा देगा, स्पीड बोल रहे हैं तो डिस्टेंस बोलिए शोभा देगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। कर दीजिए सेशन इन, फिर से सेशन रीस्टार्ट किया जा रहा है, आप लोग तुरंत ज्वाइन करें, हम लोग कंटिन्यू करें इनकी। रेडी, ओके। तो मैं बात कर रहा था कि अगर आपको बोले कि वेलोसिटी और ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट को हम एल से ही अगर थोड़ी देर के लिए दिखा दे, एल बाय टाइम, तो अगर टाइम हम 1 सेकंड ले ले, देखिएगा, तो क्या पर सेकंड वो देखिए L बराबर भी नहीं आ रहा है, पर सेकंड जो V है वो क्या है, तय की गई दूरी है, डिस्प्लेसमेंट है। तो तय की गई दूरी से पर सेकंड से अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया का मल्टीप्लाई कर दे तो पर सेकंड का वॉल्यूम नहीं निकल जाएगा, ठीक। गौर से सुनिएगा फिर से कि वेलोसिटी इज लेंथ और यूनिट टाइम, तो 1 सेकंड अगर टाइम ले लिए तो लेंथ वही आएगा जो वेलोसिटी आएगा। तो 1 सेकंड में अगर वेलोसिटी से क्रॉस सेक्शनल एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वॉल्यूम निकल जाएगा जो पास किया है वहां से, फ्लूइड का वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है।
और फिर उस वॉल्यूम को डेंसिटी से गुना कर देंगे रो वी, तो वो मास निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि इतना मास पर सेकंड घुसा, तो हम लोग बोल लेंगे कि उतना मास पर सेकंड निकला। ठीक, जल्दी से छापिए, फिर आगे ऊपर वाला भी मिटा देते हैं, टोटल मिटा देते हैं इस बार। जल्दी से लिखिए, तो डेफिनेटली आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अच्छा, एक बात यही बता दे, जो लोग स्क्रीनशॉट लेते होंगे प्लीज उसको लेक्चर के तुरंत बाद नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप लोग छोड़ते हैं कि अच्छा बाद में लिख लेंगे, तब तक अगला क्लास आ जाता है, फिर दो क्लास का बैकलॉग क्रिएट हो जाता है, फिर तब आपको और सुस्ती लगने लगती है, फिर तीन क्लास का बैकलॉग क्रिएट होने लगता है, और पता चलता है कि वो चैप्टर सोचते हैं बाद में लिख लेंगे, और वो दिन कभी कभी फिर नहीं आता है। ठीक है, प्रोक्रास्टिनेशन का जो बिहेवियर है अपना, उसको ठीक करना। नीचे तक लिख लिए होंगे, तो मास ऑफ द फ्लूइड कमिंग आउट विल बी इक्वल टू मास गोइंग इनसाइड, क्योंकि रास्ते में से तो कुछ गायब हुआ नहीं। तो देखिए, अगर हमको वेलोसिटी पता है, ठीक है, तो उसको एरिया से गुना कर दिए, तो पर सेकंड का वॉल्यूम निकल गया, पर सेकंड का वॉल्यूम निकल गया, और इसको डेंसिटी से गुना कर दिए तो मास निकल गया, तो इतना मास घुस रहा है, इतना मास निकल रहा है। ठीक, तो देखिए हो गया ना कमाल की बात, कि हमको पाइप का मोटाई चेंज करने की वजह से वहां सब जगह का वेलोसिटी एक जगह का दिया हो तो दूसरे जगह का हम लोग निकाल सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया फ्लूइड मैकेनिक्स का। ठीक है, इसका मतलब देयरफॉर यानी कि एरिया इनटू वेलोसिटी ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इसको अगर ग्राफ पे दिखाए, यहां एरिया ले ले, यहां वेलोसिटी ले ले, तो इट विल बी अ हाइपरबोला। ठीक, समझ गए, इट विल बी हाइपरबोला। मैंने क्या बोला, हाइपरबोला। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और इस पे क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए इस पर जोर मारिएगा। तो रुकिए, बच्चे आएगा बाद में लिखिए आपको कि अगर आप पानी से पाइप से पानी पटा रहे होंगे कहीं, तो आप उसके पाइप का जो मुंह है आप उसको क्यों दबाते हैं, ठीक है, ठीक है, या एक तरफ उंगली से रोकते हैं, क्यों आप क्रॉस सेक्शनल एरिया घटाते हैं, ठीक है, ताकि वेलोसिटी बढ़ जाए और दूर वाले फूल को भी पानी मिल जाए। क्लियर, तो फील कर रहे होंगे आप लोग कि ये क्या चलता है। आप क्रॉसिंग से जगह घटाते हैं क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ वाटर को फ्लो करना है, और उसको फैला देंगे तो पानी वहीं पे गिरने लगेगा, पतला करेंगे तो वेलोसिटी ज्यादा से निकलेगा वो, ठीक है, तो दूर तक पानी जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं एनर्जी इन ए फ्लोइंग फ्लूइड। हाँ चाहिए चाहिए, हाँ चिंता कॉल है, एक मिनट, हाँ सुनिए ना, आपको जितना लगता है मंगा लीजिए ना, ठीक है, हाँ ठीक है, मंगा लीजिए, अपना समझ लीजिए।
अच्छा रिपीट कर दे फिर से। तो प्रेशर इन ए फ्लूइड, बात कर रहे थे हम लोग कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के अलावा थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन वाला काइनेटिक और भी कुछ सोचा जा सकता है क्या कि बस इन्हीं दोनों का बात करें। तो आप गौर करेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी में एक और यहां पे काम हो रहा है। देयर इज अ वर्क डन बीइंग डन बाय द प्रेशर। अब डेफिनेटली प्रेशर जो होता है वो फोर्स बाई एरिया होता है, तो जो फोर्स है वो फोर्स इस पार्टिकल्स पे लग रहा है तभी वो आगे बढ़ रहा है। मतलब ये प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है वो वर्क डन के लिए, ठीक है। तो एक तीसरा है इसमें और चौथा नहीं है, ये भी क्लियर है। इससे ज्यादा यहां कोई मैकेनिकल एनर्जी का आप कंसिडरेशन नहीं कर सकते हैं और ना करने की जरूरत है, ठीक है। तो पहले तीनों चीजों को हम लोग लिखेंगे ठीक से, नहीं तो सीधा इक्वेशन लिख देने से बर्नौली थ्योरम वैसे नहीं मजा नहीं आएगा वैसे। एनीवेज, तो आप तो जानते हैं कि इट इज बेटर टू टेक फिजिकल क्वांटिटीज इन ए फ्लूइड एज पर यूनिट वॉल्यूम। हमेशा पर यूनिट वॉल्यूम में ही बात किए हैं अभी तक, तो यहां भी बात करेंगे पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब उस वॉल्यूम में डेंसिटी से गुना कर देंगे मास निकल जाएगा। ये काम सब जगह करते रहेंगे हम। अब आते हैं कि पहला बुलेट देख के लिखिए कि अभी नहीं लिखिए, सुनिए पहले कि एक तो काइनेटिक एनर्जी होगा, तो हम लोग बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हमको यूनिट वॉल्यूम का पता रहेगा तो हम पूरे फ्लूइड का बता सकते हैं, सब जहां जहां पूछे वहां वहां बता सकते हैं काइनेटिक पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप बताइए क्या लिख दे, अगर यूनिट वॉल्यूम में मास m है तो एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम वाला कैपिटल वी, तब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और आप जानते हैं एम बाई वी क्या होता है, डेंसिटी होता है, यानी कि हाफ रो वी स्क्वायर हो गया। तो ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ गया, ठीक है। बड़ा जल्दी बोर्ड भर गया, पॉज कीजिए थोड़ी देर के लिए, जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए। तो ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, ठीक। आप लोग स्मार्ट है, बहुत फास्ट लिखे होंगे राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड से। आते हैं, सारी ट्रेनें बंद है लगभग। अच्छा, तो उसी तरह से हम लोग लिख दे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगला पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको भी कर दीजिए, आप क्या लिखते हैं एम जी एच, अगर यूनिट वॉल्यूम का मास m है तो डिवाइडेड बाई कैपिटल v, और फिर आप जानते हैं m बाई v क्या होता है, रो जी एच। तो हाफ रो वी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर की जगह पे हाफ रो वी स्क्वायर, एम जी एच की जगह पे रो जी एच, ठीक है। और अब देखिए भाई प्रेशर कौन काम कर रहा है, ठीक है। अगले पॉइंट में अगर हम लोग कहें कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, प्रेशर धकिया के ले जा रहा है उसको आगे, तो फोर्स बाई एरिया। अब L से अगर गुना कर दे लेंथ से, तो देखिएगा L L दोनों पर L डाल दे तो कोई दिक्कत नहीं आपको, तो यही ना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसका मतलब प्रेशर को इस रूप में देखना आज से आप सीख लिए कि ये क्या है, ठीक है, ये वर्क डन है।
किसके वजह से हो रहा है? ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। ठीक, इसको फील अगर करने में दिक्कत आ रहा हो तो ये फील कीजिएगा कि अगर हम प्रेशर दबा दे, बढ़ा दे इधर, अगर पाइप को इधर दबा दे तो देखिएगा जैसे ही प्रेशर बढ़ाएंगे तो वहां का वेलोसिटी फास्ट हो जाएगा, भागेगा कि नहीं वहां से पानी। ठीक है, पिचकारी में क्या हो रहा है, इधर का प्रेशर बढ़ा रहा है तो इधर भागा तेजी से, तो अल्टीमेटली ये प्रेशर वो काम करवा रहा है। ठीक है, वर्क डन ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। और क्या ये वॉल्यूम ही नहीं है, नीचे में क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ इज वॉल्यूम। तो प्रेशर को गौर कीजिएगा, प्रेशर को अब तक सीधे प्रेशर आप कह रहे थे, अब इसको आप वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम भी बोल दीजिए तो सही है, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम भी बोलिए तो बिल्कुल सही है। ठीक, नीचे का आप लोग नोट कर लिए होंगे, हाँ ये पहले का लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, देयरफॉर प्रेशर ऑल्सो इक्वल्स वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इन अदर टर्म्स इट इज प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एक ही बात है। इन अदर वर्ड्स प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, अब मत लिखिए, अभी रुकिए, अब जरा गौर कीजिए मेरी बातों पे कि जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिए वो आया हाफ रो वी स्क्वायर। ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिए वो आया रो जी एच, और जो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आया वो पी। आप गौर कीजिए इन तीनों का डायमेंशन क्या है, प्रेशर का डायमेंशन है। ठीक है, आप हाफ रो वी स्क्वायर का भी डायमेंशन निकाल के देख लीजिएगा, वो प्रेशर का आएगा। तो ये बात नोट करने वाली हो गई कि ये तीनों का जो डायमेंशन है वो प्रेशर का है। नोट दैट ऑल दी अबव थ्री terms has the dimension of pressure, dimension of pressure। ठीक है, और pressure कुछ नहीं है, it is energy per unit volume। तो सीधे अब आपको बोला जाए कि pressure जो है कहीं का ज्यादा है तो आप कह देंगे कि वहां पे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है और आप सही हो जाएंगे। ठीक है, प्रेशर जैसे ही बढ़ा दिए तो इसका मतलब उसके पास एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब कैपेसिटी टू डू वर्क। व्हाट इज एनर्जी, इट इज कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क ज्यादा है वहां पे। कोई बॉल है, हाई प्रेशर है उसके अंदर, तो इसका मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है। तो अगर वो बॉल फटेगा तो वो वर्क करेगा। ठीक है, किस पे वर्क करेगा, तो वो एटमोस्फेरिक एयर को वो धकेलेगा और इनको फैला देगा, तो ये काम हुआ ना। ठीक है, कभी कभी वो बलून की बात करते हैं थोड़ी देर के लिए, मेरे पॉकेट में एक बलून है, तो अगर बलून की बात करें
और इसको हम ठीक इस पे क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर नहीं है अंदर है, तो अब हमें हमें ये दिखाई देना चाहिए कि देयर इज मोर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और वो एनर्जी अगर हम इसके इसको रिलीज करेंगे तो देखिए ये एटमॉस्फेरिक जो एयर है उनको धकेला, ये काम किया ठीक है। कुछ लोगों को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि ये काम किया, तो वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे कि इसको छोड़ देंगे। ये काम हुआ, वो जो प्रेशर था बलून के अंदर, वो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसने काम किया, आपने देखा बलून एक्सेलरेट हो गया, भाग गया, गिर गया नीचे ठीक है। तो नोट दैट ऑल द अबव थ्री टर्म्स हैज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। अब जल्दी से छापिए, आगे बात करते हैं। कहां चले गए सर, आ गए सर आ गए। तो एनर्जी का ही मामला क्या भारी मामला लगा क्या फ्लूइड्स में, नहीं लगा होगा। तीन तरह की एनर्जी हम लोगों ने कंसीडर किया और तीन ही तरह का पॉसिबल है, चौथा पॉसिबल नहीं है। शॉर्ट में एक बार फिर से बोल दे, एक तो ये कि काइनेटिक एनर्जी है उसके पास हाफ एम वी स्क्वायर, पर यूनिट वॉल्यूम किया तो हाफ रो वी स्क्वायर आया। पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब ये अलग से बोलना जरूरी नहीं है, वहां पे लिख सकते थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, आप लोग बुझ रहे हैं एमजीएच क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो रो जी एच इज ठीक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, नीचे में जीरो ले लिए तो एच पे एमजीएच बढ़ गया,